हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस जो प्लेलिस्ट है उसमें हम जो वेरियस रिक्रूटमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की जो 2022 की रिक्रूटमेंट है और डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड उसमें डेवलपमेंट असिस्टेंट और वी कैन से डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है वो अवेलेबल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट अवेलेबल है उस पोस्ट में जो वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी तो टोटल डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 173 जितनी वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 80, एससी 21, एसटी 14, ओबीसी 46, ईडब्ल्यूएससी 15 वैकेंसी है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें 173 वैकेंसी जो है वो अवेलेबल रहेगी। और अगर हम डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट की बात करें तो उसमें ओवरऑल 4 वैकेंसी है जिसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें 3 और एसटी कैटेगरी की 1 रिक्रूटमेंट जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो एज लिमिट एज ऑन 1 सितंबर 2022 से एज लिमिट क्या रहेगी। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो रहेगी 21 to 35 ईयर्स। सेम वे डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की भी जो एज लिमिट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है 21 to 35 ईयर्स। अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम डेवलपमेंट असिस्टेंट की बात करें तो बेसिकली बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी डिसिप्लिन में जो कैंडिडेट है उसके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स डिग्री है विथ मिनिमम 50% मार्क और वी कैन से पास क्लास फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्स एस कैंडिडेट तो इन द एग्रीगेट। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है 173 वैकेंसी तो उसके लिए कोई भी बैचलर्स डिग्री कोई भी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन कोई भी डिसिप्लिन में से जो ग्रेजुएट होगा बैचलर डिग्री उसके पास रहेगी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही में डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की बात करें तो उसमें बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क। तो यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए बट इंग्लिश या हिंदी मीडियम में और साथ ही में आपकी जो स्टडी है उसमें हिंदी या इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने चूज किया होना चाहिए तो आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट हम यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी पोस्ट बहुत ही कम है, 4 ही पोस्ट अवेलेबल है, अनरिजर्व कैटेगरी की 3 और एसटी की 1 ही पोस्ट है। बट यहाँ पे हमने आगे देखा उस हिसाब से जो डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है डेवलपमेंट असिस्टेंट की इस पोस्ट में हमारे पास टोटल 173 वैकेंसीज है और अनरिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब के लिए वी कैन से बहुत ही अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अगर हम देखें तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन जो कैंडिडेट के पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो 21 टू 35 ईयर के बीच में है, राइट। तो जो डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट है वो सारे के सारे बैचलर्स डिग्री होल्डर जो कैंडिडेट है उसके लिए अवेलेबल है तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में हम आगे देखें तो यहाँ पे पे स्केल हमें कितना मिलेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरियस पे स्केल सारे पे स्केल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बट उस पर हम ना जाए तो हम अपना जो ग्रोस सैलरी जो हमें मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली 32,000 पर मंथ जो सैलरी है वो डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी को यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 सितंबर 2022 से स्टार्ट होने जा रही है और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 10 अक्टूबर 2022 तक आप अप्लाई जो है उस पोस्ट के लिए कर सकते हो। दैट मींस कि आप 15 सितंबर से लेके
10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, जो स्टेट वाइज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, तो इस सारी की सारी डिटेल अगर आपको इस डिटेल में वैकेंसी सारी की सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे नाबार्ड की जो वेबसाइट दी हुई है www.nabard.org, तो उसमें 15 सितंबर से सारी डिटेल्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो वेबसाइट की विजिट करके आप जो सिलेक्शन प्रोसीजर, फी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन की जो सब है वो आप वहाँ पे देख सकते हो 15 सितंबर से। दैट मीन्स की 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आप अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे हम खास ध्यान रखें कि जो डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट है 173 वैकेंसीज है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। और इसमें बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में कैंडिडेट के पास अगर बैचलर्स डिग्री है मिनिमम 50% कैंडिडेट मार्क्स के साथ, तो इस वो कैंडिडेट इस डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो नॉलेज है वो उनको मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। और साथ ही में हमारे जो यूट्यूब चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही में हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें जो वेरियस जॉब अपडेट्स है, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स हम रेगुलरली अपडेट करते हैं। और साथ ही में हमारे चैनल पे जो हम MCQ वीडियो लेक्चर सीरीज हम देख रहे हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन, वो सारे MCQ सीरीज की क्लियर मटेरियल वो सब भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।